नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। राजनीति में मयारों के जवाब पर विचलित नहीं होना चाहिए, कंगना पर किसी ने नहीं की कोई टिप्पणी, बोले सीएम सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष बोले, टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले यह जान ले कि यहां लोग भी कम टेढ़े नहीं है। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू रिटायर्ड, एसआर ओझा और अतुल वर्मा नए डीजीपी की रेस में। खेल छात्रावास में प्रवेश के लिए 6 मई से होंगे खिलाड़ियों के ट्रायल। हिमस्खलन से मनाली कोकसर मार्ग अवरुद्ध, अटल टनल के पास बर्फ में फंसे सैलानी मनाली पहुंचाए। 12वीं में दूसरी बार फेल होने पर छात्र ने की आत्महत्या। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नदौन में दो टुक शब्दों में जयराम ठाकुर को कहा कि राजनीति में बयानों के जवाब पर विचलित नहीं होना चाहिए और कंगना पर किसी ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। कंगना हिमाचल की बेटी है और कंगना के पिता कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। कंगना पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणियां ना तो विक्रमादित्य सिंह ने की है और ना ही किसी अन्य कार्यकर्ता ने की है। जयराम ठाकुर को सोचना चाहिए कि किसी बयान पर जवाब दिया जाता है, लेकिन राजनीति में बयानों के जवाब से विचलित नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले यह जान ले कि यहां पर लोग भी कम टेढ़े नहीं है। यह बात उन्होंने बलह विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कंसा मैदान में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता से कांग्रेस की सरकार को 5 वर्षों के लिए मौका दिया था, लेकिन कांग्रेसियों से खुद ही अपनी सरकार नहीं संभाली जा रही। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू 35 साल की नौकरी के बाद आज रिटायर हो गए। पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को उन्हें शानदार विदाई पार्टी दी गई। अब नए डीजीपी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नए डीजीपी की रेस में 1999 बैच के आईपीएस एसआर ओझा और 1991 बैच के डॉक्टर अतुल वर्मा का नाम चर्चा में है। सीनियोरिटी में अतुल वर्मा तीसरे नंबर पर हैं, इनसे सीनियर एवं 1990 बैच के आईपीएस श्याम भगत नेगी अभी सेंटर डेपुटेशन पर दिल्ली में है। इसलिए एसआर ओझा और अतुल वर्मा में से किसी एक को डीजीपी बनाया जा सकता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। खेल छात्रावास ऊना बिलासपुर तथा खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बिलासपुर में प्रवेश के लिए इंदिरा स्टेडियम ऊना तथा लुहणू स्टेडियम बिलासपुर में स्पर्धावार ट्रायल होगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि ऊना में लड़कों के प्रवेश के लिए वॉलीबॉल और कुश्ती ट्रायल का 6 मई, हॉकी व जूडो ट्रायल का 7 मई को सुबह 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। बिलासपुर में लड़कों व लड़कियों के प्रवेश के लिए एथलेटिक्स और लड़कों के लिए हैंडबॉल ट्रायल का 9 मई तथा लड़कों व लड़कियों के लिए कबड्डी ट्रायल 10 मई सुबह 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। मई की दस्तक पर भी हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में जनवरी तरह बर्फ हो रही है। ऐसे में घाटी में हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को मनाली अटल टनल रोहतांग कोकसर मार्ग हिमस्खलन से बंद हो गया है। फुमड़ा नाला में पहाड़ी से हिमस्खलन हुआ है। अटल टनल से सोलंग नाला तक बर्फ में फंसे 6000 पर्यटकों को मनाली पुलिस ने सुरक्षित मनाली की तरफ निकाला। रात लगभग 1 बजे तक बचाव अभियान चला। पुलिस की ओर से 1000 से अधिक वाहनों को मनाली पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश में 12वीं के परीक्षा परिणाम के बाद एक छात्र ने फेल होने की वजह से खौफनाक कदम उठा लिया है। मामला जिला सिरमौर के उपमंडल पांटा साहिब का है। 12वीं कक्षा का छात्र रोहित चौहान 18 पुत्र फूल सिंह निवासी सूरजपुर ने मंगलवार सुबह दूसरी बार फेल होने के कारण घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र मानसिक तनाव में था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।